मेरठ में किसान यूनियन नेता के रोहित कसाना पर चली गोलियों के अपराधी पकड़े नहीं गए, इसको लेकर उनके नेताओं ने प्रतापपुर थाने में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जब तक कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और वो थाने पे धरना देते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 तानाशाही सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अरे योगी मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अरे गरीबों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पवार है और भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन से प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी हम संभालते हैं। और आज हमारे साथ हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई नितिन कसाना कुंडा जी और मेन के जिलाध्यक्ष हमारे जितेंद्र गुजर जी और तमाम संगठन के लोग आए हैं। जैसा कि सभी को अवगत भी है, हमारे भाई हमारे संगठन के जिला उपाध्यक्ष रोहित कसाना पर खुलेआम गुंडाई, पूरे प्रदेश में तानाशाही सरकार द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर झूठा तंत्र चलाया जा रहा है और हमारे साथी रोहित कसाना पर गोली घर आकर मारी गई। और घर आकर गोली मारने के आज 48 घंटे होने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और जब बात करते हैं प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की, तो सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हॉस्पिटल में उसे धमकी मिलती है, अपराधियों के पिताजी अपराधियों का परिवार जाके उन्हें धमकी देता है और लालच देने की कोशिश करता है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी तानाशाही सरकार से, क्या किसान नेताओं के साथ इस तरीके की वारदात सही है? अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी कार्रवाई न हुई तो हम इस आंदोलन